हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता। एंड आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज, जिसमें हम पहले फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो अरिहंट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लाइक लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, लगभग 10 साल के ही है, पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन इस फर्स्ट चैप्टर से आए हैं, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हरप्पन सिविलाइजेशन वाले चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो है आपके सामने क्वेश्चंस भी रहेंगे, आंसर भी रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव है, या फिर कौन कौन से क्वेश्चन इजी है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्लस आपको आंसर कैसे लिखना है। एक छोटी सी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ इज दैट कि जो भी क्वेश्चन है वो है प्रीवियस, जो पुराने पैटर्न के हिसाब से है, राइट, क्योंकि जो नया पैटर्न आया है वो रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। तो उससे पहले जो भी थे, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 4 मार्क्स के, और आई थिंक 6 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, राइट। तो अभी जो है न्यू पैटर्न के हिसाब से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और आपके जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़े से चेंजेस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कि जैसे एमसीक्यूज वगैरह या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, आप अगर सुनोगे और प्लस देखोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें जो है पता लगती रहेगी। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे बढ़ते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आप न्यूज पैटर्न के हिसाब से पेपर दोगे, ठीक है, तो उसकी जगह आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे वैसे ही लिखना है क्वेश्चन, तो जैसे कैसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, बट मार्क्स के हिसाब से वो डिफर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वॉज जॉन मार्शल एंड हाउ डिड ही मार्क अ चेंज इन द इंडियन आर्कियोलॉजी। ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि हु वॉज जॉन मार्शल, व्हाट इज हिज कंट्री, आधा आधा 1 मार्क्स का जो है आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। सो हु वाज जॉन मार्शल, वो था डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, ठीक है, कौन था डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, और उनका मेजर रोल क्या है इंडियन आर्कियोलॉजी में, कि उसने जो है डॉक्टर जो जॉन मार्शल है डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, उन्होंने एक नई डिस्कवरी की थी, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो जो चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हो वो आप पढ़ ही नहीं रहे होते अगर इन्होंने ये चीज डिस्कवर नहीं की होते, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की, जॉन मार्शल, ओके, करेक्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, हु वाज आरियम विलर, ये अगेन क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2016 में आया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जॉन मार्शल के इंपॉर्टेंट है, कनिंगम का इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आरियम विलर का नाम इसलिए आता है क्योंकि इनका भी ना एक मेजर कंट्रीब्यूशन था। क्या था, इन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि ये जो हम जो खुदाई कर रहे हैं ना, वो स्टैटियोग्राफी ऑफ द माउंट को फॉलो करते हुए होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या होता था, जो जॉन मार्शल है वो यूनिफॉर्मली एक ही पैटर्न में जो है पूरा ना डिक करते थे, जो खुदाई जब करते थे वो डिक करते रहते थे, बट इन्होंने क्या बोला, हमें इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्टैटियोग्राफी ऑफ द माउंट रेदर देन डिक मैकेनिकली अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मतलब पहले जॉन मार्शल हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे डिक करते थे, बट उन्होंने बोला कि हमें जो है उनकी स्टैटियोग्राफी के हिसाब से करना चाहिए। स्टैटियोग्राफी मीन्स ऐसे ना कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है, मिट्टी में कुछ लेयर्स होते हैं, तो मान लो ऐसे कुछ लेयर है, तो हमें इनके हिसाब से जो है डिग करना चाहिए, ना ही सीधा सीधा काटते रहो और खुदाई करते रहो, ठीक है। थर्ड है, हु वॉज कनिंगम, सो कनिंगम कौन थे, ये अगेन डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, ठीक है। जॉन मार्शल वॉज नॉट द फर्स्ट, ठीक है, कनिंगम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, एंड मेंशन एनी वन अकाउंट यूज बाई हिम टू लोकेट द अर्ली सेटलमेंट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। अर्ली सेटलमेंट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन को बताने के लिए उन्होंने जो है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जो आए थे ना, ठीक है, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जो आए थे, उनके जो अकाउंट से उनको इन्होंने यूज किया और बोला कि मतलब उनको लगा कि ये हरप्पन सिविलाइजेशन कोई अलग से सिविलाइजेशन नहीं है, यही जो है ना, मतलब उन्होंने उन्हीं स्क्रिप्ट्स का यूज किया, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, तो उन्होंने सोचा उन्हीं का कोई सामान वगैरह होगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट के 3 क्वेश्चन थे किसके ऊपर थे,
डायरेक्टर जनरल क्या, आरियम विलर, जॉन मार्शल, कनिंघम। तो ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है इनका कंट्रीब्यूशन और इनका ये कौन थे। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रख लो इसमें कि जॉन मार्शल, आरियम विलर एंड कनिंघम के बारे में आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, पढ़ के जाना है। उसके बाद हु वॉज हड़प्पा, हाउ वेर हड़प्पन सिल्स एंड सीलिंग्स यूज टू फेसिलाइट द लॉन्ग ट्रेड कम्युनिकेशन। वो काफी ईजी है, ठीक है, इसको समझना कि ये जो सील्स है ना, तो ये कैसे काम आते थे कि जैसे कोई भी सामान भेजना है, ओके, सो कोई भी जैसे सामान भेजना है, जैसे बैग ऑफ गुड्स भेजना है, तो उसमें क्या करते थे, जैसे ये बैग है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है एक पत्थर बांध देते थे और उसको फिर भेजा जाता था, और उस सील्स में जो है स्टैंप वगैरह लगे होते थे। ठीक है, तो मतलब ऐसे करके उनको पता चल जाता था कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता है। सो हरप्पन सील्स एंड सीलिंग्स वेर यूज टू फेसिलाइट द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड द माउथ ऑफ द बैग ऑफ गुड्स वॉज टाइड विथ रोप एंड नॉट वॉज फिक्सड सम वेट क्ले ऑन विच वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड। तो प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये सील्स है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है एक स्टैम्प से लगा होता था, मान लो एक पत्ते का स्टैम्प लगाना है, ठीक है, तो एक पत्ते का स्टैम्प जो है ऐसे करके लगाना होता था, ठीक है, नॉट लीफ का स्टैम्प लगाना नहीं होता था, इन जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, जैसे ये मान लो आपका सील है, इसमें जो है स्टैम्प मार रहे, ठीक है। सो दिस सीलिंग कन्वेड दी दैट दी बैग रीच्ड विथ इट्स सीलिंग इंटैक्ट दैट इट हैड नॉट टेम्पर्ड विथ दी कन्वेड ट्रू आइडेंटिटी ऑफ दी सेंडर। सो ये सेंडर की आइडेंटिटी बता था, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन दी टू सेक्शंस ऑफ दी हरप्पन सेटलमेंट्स एंड गिव वन मेन फीचर। सो ये भी आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको 3 मार्क्स के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो, 1 मार्क्स में बेसिकली ये नहीं पूछा जाएगा। मेंशन दी टू सेक्शन ऑफ दी हरप्पन सेटलमेंट इज दैट, कौन से दो सेटलमेंट थे, फर्स्ट इज सिटाडल एंड सेकेंड इज लोअर टाउन। सिटाडल एंड लोअर टाउन आपको पता ही होगा, सिटाडल एंड लोअर टाउन। सो ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है, एक एक फीचर इनका जो है आपको देना है। तो सिटाडल वॉज स्मॉलर बट हायर, तो आपको पता है ये जो सिटाडल था ये छोटा था, इसकी एरिया छोटी थी, बट ये हाई पोजिशन के लोग वहां पे रहते थे, मान लो राजा वगैरह हो गए अगर वहां पे एग्जिस्ट करते थे तो वो रहते थे, ठीक है, अपर क्लास लोग रहते थे। एंड लोअर टाउन मीन्स ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन पीपल्स है वो यहाँ पे रहते थे, तो इसकी एरिया बिग होती थी बट यहाँ पे लोग जो है कॉमन ऑर्डिनरी पीपल रहते थे। एंड इन द लोअर टाउन देयर वर सेवरल बिल्डिंग्स विच वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म। सो ये सारे जो फीचर्स है आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, काफी अच्छे से आप लिख सकते हो। उसके बाद गिव एनी टू फीचर ऑफ हरप्पन राइटिंग। सो हरप्पन राइटिंग के 2 फीचर, फर्स्ट तो आप यही बता सकते हो कि वो एनिग्मेटिक था, ठीक है, उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका। उसके बाद सेकेंड आप ये अनडिसाइफर्ड वाला पॉइंट फर्स्ट लिख सकते हो, सेकेंड लिख सकते हो कि इट इज नॉट अल्फाबेटिकल, ओके, एंड हैज टू मेनी साइंस। सो समवेयर 375 to 400 साइंस थे वहां पे, एंड स्क्रिप्ट जो है राइट टू लेफ्ट लिखे जाते थे, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो कहाँ से लिखते थे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सो ये है इनके बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 6 क्वेश्चंस। उसके बाद देखो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, तो ये 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है अभी 4 मार्क्स के नहीं आएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, तो आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे। सो फिर भी हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदारो। ये 3 मार्क्स में आपको आराम से दे सकते हैं, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है, काफी रिपीटेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। सो क्या डिस्टिंक्टिव फीचर दोगे आप डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का, तो यहाँ पे देखो 3 टाउन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट अर्बन सेंटर। सो मोहनजोदारो इज द वेल नोन साइट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। सो द सेटलमेंट वॉज डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग सेक्शंस। तो फर्स्ट क्या है, सिटाडल, सेकेंड है लोअर टाउन एंड थर्ड है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, 3 यहाँ पे जो है इसके फीचर्स दिए गए हैं। बेसिकली आपको डोमेस्टिक फीचर्स बताना है ऑफ दी मोहनजोदारो, तो आप क्या लिख सकते हो, मोहनजोदारो में जैसे ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, एकदम मतलब राइट एंगल्स में एक दूसरे को कट करते हुए इंटरसेक्टिंग जो है इनके पास ड्रेनेज सिस्टम थे, सबके पास जो है कवर्ड उनके ड्रेन्स थे। उसके बाद कुछ घर के फीचर्स भी लिख सकते हो, जैसे मल्टी स्टोरेज, डबल स्टोरेज जो है बिल्डिंग हुआ करती थी उनकी, एंड जो है आप दरवाजा खोलोगे, घर का दरवाजा जब खोलोगे उससे
डायरेक्ट आपका जो है रूम्स नहीं दिखता था, ठीक है, मतलब आपका ड्राइंग रूम दिखेगा बट डायरेक्ट रूम नहीं दिखता था। उसके बाद ये है कि जो ग्राउंड फ्लोर में जो घर है, ठीक है, जो नीचे घर है वहां की कोई विंडोज नहीं होती थी ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। हर एक घर में जो है पीछे वेल होती थी, ठीक है, कुआं होता था, लगभग 400 से ज्यादा कुआं वहां पे पाए गए हैं। तो ये सारे डोमेस्टिक फीचर्स आप लिख सकते हो। तो ये जो है सेटलमेंट का कुछ फीचर है, जैसे सिटाडेल है, लोअर टाउन है, ड्रेनेज सिस्टम है, डोमेस्टिक फीचर बोले तो आप उनको भी लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दैट मेंशन एनी टू चेंजेस दैट वर ऑब्जर्व आफ्टर 1900 बीसी इन हरप्पन सिविलाइजेशन, व्हाट कुड हैव ब्रॉट दिस चेंजेस। तो 1900 बीसी के बाद से काफी सारे चेंजेस देखने को मिले थे, ठीक है। तो बेसिकली आपको कौन सा पोर्शन लिखना है जो एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन है, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है, कि कैसे कैसे एंड हो रहा था, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। फर्स्ट यहाँ पे देखो, आफ्टर 1900 बीसी वेरी फ्यू हरप्पन साइट्स वेर कंटिन्यूड एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस अपियर्ड इन द सिविलाइजेशन। सिग्निफिकेंट चेंजेस वहां पे आने लग गए थे, जैसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे लाइक वेड सील्स बीड्स, फिर राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट सिविलाइजेशन, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये सारे डिसअपियर हो रहे थे। क्या हो रहे थे? ये सारे डिसअपियर हो रहे थे जो उनके डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे, ठीक है, जैसे वेड्स हो गया, सील हो गया, वो सारे क्या हो रहे थे, वहां पे डिसअपियर हो रहे थे। सेकेंड जो है हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटोरिएट होने लग गए थे, ठीक है। एंड लेट हरप्पन सिविलाइजेशन इंडिकेट्स अ रूरल वे ऑफ लाइफ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वाज आल्सो डिसअपियर। तो हरप्पन सिविलाइजेशन में जो भी चीजें अच्छी थी वो सारी चीजें डिसअपियर होने लग रही थी, खराब होने लग रही थी, पॉपुलेशन भी उस टाइम पे बढ़ गया था, ठीक है। दो वहां पे, यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन नहीं है, आप लिख सकते हो पॉपुलेशन वहां पे बढ़ता जा रहा था। एंड ये रीजन क्या है चेंजेस के, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, एक्सेसिव फ्लड हो गया, शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स, ओवर यूज एंड द लैंडस्केप माइट ऑल्सो बी दिस कॉज। तो ये सारी जो चीजें इसके कॉज है, डिफोरेस्टेशन, चेंजिंग द कोर्स ऑफ रिवर, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, फ्लड, ये सारी जो है इस चेंजेस के पीछे रीजन है कि क्यों हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया था। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां पे मैं आपको माइंड मैप्स वगैरह देती हूँ, नोट्स वगैरह देती हूँ। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, यू कैन विजिट माई ब्लॉग और यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो वहां से जाके आप देख सकते हो, इस चैप्टर के नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। So, उसके बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस फाइंड हरप्पन स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक। सो ये एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, हॉर्स के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखना है कि क्यों जो है हरप्पन स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक, हिस्टोरियंस को एनिग्मेटिक लगा। एनिग्मेटिक का क्या मतलब होता है कि या फिर उसको जो है इंटरप्रेट नहीं किया जा सका एंड वो मिस्टीरियस मतलब है, ठीक है, मतलब रहस्यमय है, उसको अभी तक इंटरप्रेट नहीं किया जा सका। सो उसको एनिग्मेटिक बोलते हैं। तो उनको क्यों एनिग्मेटिक लगा? एक तो वो डिसाइफर नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, उसमें इतने सारे साइंस थे, ठीक है, उसमें जो है ये सील्स वगैरह यूज होती थी, किस लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होती थी, नॉन अल्फाबेटिकल थी, लेफ्ट से राइट तक लिखा जाता था। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये बताना है उसके फीचर्स क्या थे, ठीक है, और लास्ट में ये बता देना है कि स्टिल इट इज दिस स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिफर्ड। सो बिकॉज ये अनडिसिफर्ड है इसलिए एनिग्मेटिक है। तो बेसिकली आपको इसमें जो है इसके फीचर्स बताने हैं। सो दिस स्क्रिप्ट वॉज नॉन अल्फाबेटिकल, हैड मेनी साइंस, सो दिस वेर द इंस्क्रिप्शन वेर शॉर्ट एंड 26 साइंस वेर देयर। सो ये सारे जो फीचर्स है आपको बताने हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन में आते हैं। अर्ली हरप्पन आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच सीम अनयूजुअल एंड अनफेमिलियर मे हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो आपको रिलीजियस उसके प्रेजेंस के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? रिलीजियस प्रेजेंस। तो आपके बुक में भी है रिलीजियस प्रेजेंस, ग्रेट बात आपको याद होगा, ठीक है, वो भी एक रिलीजियस प्रेजेंस है। प्रिस्ट किंग आपको याद होगा, ठीक है, वो भी एक रिलीजियस प्रेजेंस है। सो यही सारी चीजें आपको बताना है। और में एक क्वेश्चन है, देखो, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ सील्स ऑफ हरप्पन पीरियड मे हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द रिलीजियस बिलीफ। सो इन दोनों में जो है रिलीजियस बिलीफ से क्वेश्चन आया है। तो एक मेन टॉपिक इसका क्या है? रिलीजियस बिलीफ। उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वही चीजें लिखनी है जो रिलीजियस बिलीफ में पाया गया। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस बिलीव दैट आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच सीम्ड अनयूजुअल और अनफेमिलियर मे हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मैं आपको बता देती हूँ ये वाला जो आंसर है कहाँ से है। एक देखना, लास्ट में एक टॉपिक है री इंटरप्रिटेशन वाला, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन या फिर ऐसे कुछ है, ठीक है। तो उस वाले टॉपिक से आपका है, जो फर्स्ट चैप्टर में लास्ट के टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ री इंटरप्रिटेशन वाला, उसमें है।
कि उनको जो भी मिला, ठीक है, जैसे आपको एक प्रिस्किंग मिला था, उनको एक प्रिस्किंग मिला था, साथ में एक ग्रेट बात मिला था, फायर ऑल्टर्स मिले थे, एक जो है विष्णु के अवतार भी मिले थे, तो ये सारी जो चीजें हैं, यस प्रोटो शिवा एंड जो है यूनिकॉर्न के पिक्चर्स, ठीक है, तो ये सारे मिले थे, तो जिनको जो वो समझ नहीं पाए उनको उन्होंने रिलीजियस कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, एक लिंगा उनको मिला था, ठीक है, लिंग मिले थे, तो ये सारी जो चीजें हैं जो उनको समझ में नहीं आई वो उन्होंने किस में डाल दिया, रिलीजियस सिग्निफिकेंस में, ठीक है, सो गॉड गॉडेसेस जो मतलब ऐसी मूर्तियां थी जिसमें हेविली ज्वेल्ड थे, ठीक है, मतलब गहने पहने हुए थे, वहां पे वेमेंस के फिगर थे, हेविली ज्वेल्ड, ठीक है, हेड ड्रेस, जिनको देख के लग रहा था कि शायद ये कोई माता वाता होगी, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उसको गॉडेस के कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद देखो प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली उनको, ओके, उसके बाद ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट बाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट बाथ फायर ऑल्टर्स, ठीक है, तो ये जो जब भी आप आंसर लिखोगे ना तो ये जो सारी पॉइंट्स है जैसे ग्रेट बाथ, फायर ऑल्टर्स, प्रिस्ट किंग, हेविली ज्वेल्ड गॉडेस, तो इन सारे पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन कर देना ताकि उनको पता चले कि हाँ आपने मेन पॉइंट्स कवर किया, ओके, तो अगर वो देख लेते हैं कि हाँ आपने मेन पॉइंट्स कवर किया तो बेसिकली उनको आपके आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अटेम्प्ट्स वर मेड टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एंड एग्जामिन डिफरेंट सील्स। उसके बाद जो है यूनिकॉर्न के फिगर मिले थे, फिगर सीटेड क्रॉस लेग्ड इन योगिक पोस्चर, ऐसे काफी फिगर मिले थे, प्रोटो शिवा के फिगर्स मिले थे, ठीक है, लिंगास मिले थे, कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स, तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसको दर्शा रही है, दी रिलीजियस बिलीफ को, ओके okay, उसके बाद हम 11 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये अगेन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप 3-4 पॉइंट्स इसमें डाल देना। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हरप्पन सिटीज वाज दैट केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, काफी इजी आंसर है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कैसे प्लान था उनका, कि जो है ऐसे थी उनकी ड्रेनेज सिस्टम, देखो ऐसे थी, ठीक है, बेसिकली कि इंटरसेक्ट करते थे एक दूसरे को राइट एंगल में, ओके, एंड जो भी वहां की ड्रेन्स थी वो एकदम कवर्ड हुआ करती थी, जो भी बाथरूम्स होते थे ना वहां के वो भी ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए होते थे, तो जो भी चीजें मतलब वहां पे सीवेज सिस्टम जो था काफी बढ़िया था, ओके, तो वही आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं, हाउ वाज हिस्टोरियन प्रूव्ड, हिस्टोरियंस प्रोवाइडेड न्यू इनसाइट्स इनटू द सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ एग्रीकल्चर हरप्पन कल्चर। सो 2015 में पूछा गया है दिल्ली में, दिल्ली क्वेश्चन पेपर में, कि सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या है, तो देखो वहां पे वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट मिले थे, फिश के कुछ अंश जो है वहां पे मिले थे, वहां के निशानी मिली थी। उसके बाद जो है वीट, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, जो फर्स्ट के कुछ पन्ने हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी, वहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कैटल, शीप, गोट, बफेलो डोमेस्टिकेटेड किए जाते थे वहां पे, घरियल, डियर, बोर, ये सब के ट्रेसेस भी वहां पे मिले हैं, फिर बुल जो है वहां पे यूज होते थे प्लाविंग के लिए, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसको दर्शाती है, दैट सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू वो जिंदा रहते थे, कैसे वो जिंदा रहते थे, एग्रीकल्चर के थ्रू जिंदा रहते थे, इसलिए इरिगेशन वगैरह बुल के जो है निशानी मिली। उसके बाद और क्या है, वो खाके भी जिंदा रहते थे, तो यहाँ पे देखो फिश, प्लांट, एनिमल्स, ये भी इनके भी स्ट्रेसेस मिले हैं, ओके ओके। सो उसके बाद हम 13 क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स ऑफ मोहनजोदारो। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसे होते थे वहां पे आपको लिखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था उनके जो है बिल्डिंग्स कैसे होती थी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसे होती थी, ठीक है, तो उन्हीं को आपको लिखना है कि क्या बेसिक फीचर्स होते थे डोमेस्टिक हाउसेस के या फिर बिल्डिंग्स के, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज यूज बाय द आर्कियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस। कैसे सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस उनको पता चला, एक तो उन्होंने बुरियल्स में से देखा, ठीक है, बुरियल्स मींस जब किसी की मौत हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उनको जमीन के नीचे दफना देते हैं, एंड जो जिस केस में उनको दफनाया जाता है, ठीक है, कॉफिन में दफनाया जाता था, तो उसमें ना देखा गया है कि जो मतलब थोड़े रिच या अपर क्लास है उनके वहां पे उनके बुरियल में कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिली है, थोड़ी महंगी चीजें मिली है, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट,
मिरर्स वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीजें मिली है। बट अगर आप एक कॉमन मैन के बुरियल को देखो तो उसमें इतनी खास चीजें नहीं दिखेगी। तो अगर आप बुरियल्स को देखते हो तो आपको एक डिफरेंसेस पता लगेगा अपर क्लास एंड लोअर क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी हम देख लेते हैं, द डेड वेर जनरली लेड इन पिट्स एंड देयर वेर डिफरेंसेस इन द वे द बुरियल पिट वाज मेड, कैसे वो बनते थे उसमें भी थोड़े से डिफरेंस है। हाउएवर वेदर दिस वेरिएशन वेर द इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस और नॉट, इट इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी ऑफ बोथ मेन एंड वेमेन हैव बीन फाउंड इन सम बुरियल्स। तो देखो, बुरियल जो बनते थे उसमें भी थोड़े डिफरेंस होते थे। प्लस जो है क्या होता था कि वहां पे जो है बुरियल्स के अंदर भी कुछ सामान पाए जाते थे, ठीक है। तो अगर बुरियल्स के अंदर महंगी महंगी सामान पाए गए तो समझ लेना अपर क्लास से है। अगर ज्यादा अच्छी, मतलब नॉर्मल से जैसे कॉमन पीपल की होती है वैसे मिल गया तो मान लेना कि मीडियम, ठीक है। तो वैसे किसी में लग्जरीज, किसी में यूटिलिटेरियन, जैसे वहां के आर्टिफैक्ट्स में हमें मिले हैं। तो सेकेंड पॉइंट हो गया आपका आर्टिफैक्ट्स। फर्स्ट है बुरियल, सेकेंड है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स में कुछ लग्जरीज थे जैसे पायंस जैसे मटीरियल हो गए, यूटिलिटेरियन जो रोजमर्रा के जो चीजें हैं, स्टिक है, स्टोन, क्ले, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, ये जो सारी चीजें हैं ये डेली यूज वाले सामान है जो आपको रोज दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे आज के सोसाइटी में अगर देख लो रोजमर्रा की चीजें जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, आयरन वगैरह आपको मिल जाएगा। बट यूटिलिटेरियन कब होता है वो जब आप गोल्ड देखते हो, प्लेटिनम देखते हो, डायमंड देखते हो, ठीक है। तो वैसे उस टाइम में भी था फायंस जो जिसको महंगा माना जाता था, लग्जरियस आइटम में था वो, एंड यूटिलिटेरियन जो मतलब रोजमर्रा की चीजें थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो 2013 में आया हुआ है, ऑल इंडिया में एक्सप्लेन दी स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल। तो प्रोक्योरिंग मटेरियल कैसे करते थे, जो भी सामान उनको चाहिए था डिफरेंट जगह से वो लाते थे, ठीक है। हमें ये लिंक जो है विदेश से भी मिला है, जैसे आउटसाइड हरप्पा, ठीक है, मतलब वहां बाहर से भी जो है जैसे ओमन हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, वहां से भी चीजें लाई जाती थी। So, यहाँ पे देखो क्या है, द एस्टेब्लिश बैंक इज नागेश्वर बालाकोट, वहां पे शेल बहुत अच्छा मिलता था तो वो लाया जाता था। सोटुघई बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लजुली, जो एक ब्लू स्टोन होता था, ठीक है, लैपिस लजुली का एक ब्लू स्टोन होता था जिसको सोटुघई से लाया जाता था। कार्नेलियन जो है, ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल वेर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम क्षेत्रीय रीजन। तो राजस्थान जो है बेसिकली कॉपर के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो वहां से कॉपर लाया जाता था। साउथ इंडिया में गोल्ड अच्छा मिलता है तो वहां से गोल्ड गोल्ड लाया जाता था। तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, आज भी अगर आप देखो साउथ इंडिया में गोल्ड बहुत अच्छा मिलता है, राजस्थान में आपको कॉपर, मार्बल, ये सब चीजें मिलती है, तो उस हिसाब से वहां पे भी उस टाइम में लाया जाता था। मेसोपोटामिया टेक्स्ट मिले हैं, ओमान से जो है ब्लैक जार लाया गया था, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है लाई गई थी। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ओपिनियंस ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। ये इतना खास क्वेश्चन नहीं है जो पूछा जा सकता है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में क्या कहना था, कि किसी का कहना था कि नहीं भाई वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, सब मिलके जो है एक साथ चीजें प्रोड्यूस करते, इसलिए वैसा अच्छा मतलब एक ही टाइप के सामान बनते हैं। किसी का कहना था कि नहीं उस वहां पे कोई एक जो है रूलर है तो वो जो है ऑर्डर देते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। सम स्कॉलर आर्ग्यू दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट, ठीक है, एक सिंगल स्टेट होता था जो फेमिलियर, जो सिमिलर आर्टिफैक्ट्स बनाते थे। ऐसे काफी सारे लोगों के जो है, काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग ओपिनियन थे। फिर भी मैं एक बार आंसर यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। सम आर्कियोलॉजिस्ट ओपाइन दैट हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, किसी का मानना था कि नो रूलर्स है, किसी का मानना था देयर वॉज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, थर्ड किसी का मानना था कि कोई सिंगल स्टेट जो है वहां पे और वो सिमिलर प्रोडक्ट्स आर्टिफैक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद लास्ट थियरी सीम्स टू बी most plausible that it is unlikely that entire community could have collectively made and implemented such decision. ये जो last है line यहाँ पे ये बोला गया है कि उनको लगता था कि ऐसे एक community है जो entire community बैठ के एक साथ जो है चीजों को बनाती है और उसको जो है implement करती है, उस complex decision के ऊपर implementation करती है। तो मतलब entire community मिलके एक साथ जो है चीजों को सब कुछ implement करती है, इसलिए similar products मिले, ठीक है। तो ऐसे कुछ मान्यताएं थी वहां पे जिसको अभी तक इतना
क्लियरली साबित नहीं किया गया, ठीक है, कोई प्रूव इतना है नहीं, वो बस एजम्पशन के बेस पे है. क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन चान्हुदारो. चान्हुदारो में क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था. आपका बुक में पूरा एक क्राफ्ट प्रोडक्शन के ऊपर एक टॉपिक है, वो आप देख सकते हो. तो वहां पे शेल कटिंग, बीड मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सारी चीजें जो है होती थी, मेटल वर्किंग, ये सब होता था. मटेरियल्स कैसे कैसे होते थे, कार्नेलियन, जेस्पर, कॉपर, फायंस, सेल, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती थी, ब्रोंज, गोल्ड, क्वार्ट्स, ठीक है, स्टियरटाइट, ये सारी जो चीजें जो है रॉ मटेरियल यूज होती थी. उसके बाद सम बीड्स वेर मेड टू और मोर स्टोन्स दैट वेर सीमेंटेड टुगेदर एंड सम वेर मेड ऑफ स्टोन्स विद ब्यूटीफुल गोल्ड कैप्स, सिलिंड्रिकल शेप. देखो, पहली चीज तो आपको ये बताना है कि वहां पे चानूदारों में क्या क्या होता था, ठीक है. बीड मेकिंग, मेटल कटिंग, शेल, ये जो चीजें है ना जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाई, दैट शेल कटिंग, सील मेकिंग, मेटल वर्किंग, ये सारी चीजें आपको लिखनी है. उसके बाद बताना है कि रॉ मटेरियल्स कौन से यूज होते थे. उसके बाद बताना है कि शेप वगैरह कैसे दिए जाते थे और कैसे उसको बनाए जाते थे, ठीक है. और डिफरेंट टेक्निक्स यूज होते थे, जैसे स्टीयरटाइट वाज मेड विद अ वेरी सॉफ्ट स्टोन, ठीक है, तो इसलिए इजीली मोल्ड भी हो जाता था, ठीक है. उसके बाद बनाने के बाद जैसे रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वॉज ऑब्टेन बाई फायरिंग ऑफ द रॉ मटीरियल. मान लो ये एक रॉ मटीरियल है, तो उसको जब फायर में आप डालते हो, ठीक है, फायर में जब आप डालते हो उस चीज को, तो वो फिर रेड कलर का शेप ले लेता है. तो ये किस लिए होता है, उसकी रॉ मटेरियल की वजह से. तो रॉ मटेरियल डिफर करता था, कोई रॉ मटेरियल जो है सॉफ्ट हो जाता था, इजीली मोल्ड भी हो जाता था. ओके, सो ऐसी चीजें जो है आपको ऐसे याद रखना है कि सीक्वेंस वाइज आपको क्या लिखना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, जो 2011 में पूछा गया, थ्री फीचर्स ऑफ हरप्पन सिटीज, काफी जो है इजी है. थ्री फीचर्स क्या बताना है आपको, वेल प्लान्ड थी वो, ठीक है, वहां की ड्रेनेज सिस्टम बता देना, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी बता देना, आप कुछ भी यहाँ पे बता सकते हो, एनी थ्री फीचर्स. तो 3 मार्क्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ब्रीफली डिस्कस हाउ द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन वेर आइडेंटिफाइड. क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स को कैसे आइडेंटिफाई किए जाते थे. टू जो है प्रोसेस है, फर्स्ट तो रॉ मटेरियल, ठीक है, फर्स्ट जो है रॉ मटेरियल के बेस पे किए जाते थे, कि वहां पे रॉ मटेरियल्स वगैरह के हिसाब से देखे जाते थे. एंड सेकेंड थिंग इज कि वेस्ट प्रोडक्ट्स इंडिकेट. तो मान लो आपने यहाँ पे काम किया, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने मेटल कटिंग, बीड मेकिंग, ये सारे काम किए, तो उसके बाद ना कुछ चीजें जो है सामान वहां पे रह जाती है, या फिर जो वेस्ट सामान है वहां पे मिल गई है, तो उनसे जो है वो पता लगा, मतलब जो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह है, उन्होंने ये पता लगाया कि वहां पे जो है सेंटर हुआ करते थे, ठीक है. तो इसलिए जैसे आप फैक्ट्रीज कहीं पे लगाते हो, तो वहां की अगर वो फैक्ट्रीज चली भी जाती है, फिर भी कुछ निशान वैसे रह जाते हैं, जिससे आपको थोड़ी बहुत ऐसे जो है पता लग जाएगी कि वहां पे कुछ था, ठीक है, इंडस्ट्री टाइप कुछ वहां पे था, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल्स भी मिल रहे हैं, वहां पे जो है इनकी जो है वेस्ट मटेरियल भी मिल रहा है, तो उससे जो है इन्होंने पता लगाया. ओके, उसके बाद बढ़ते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन में. अब देखो, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने वाले हैं. पिछले जो है 1 और 3 मार्क्स के मैंने आपको उस हिसाब से बताया था. 8 मार्क्स में देखो 2014 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डिड आर्कियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो इंडिकेट प्लानिंग. काफी इजी से सवाल को काफी घुमा के पूछा गया है. यहाँ पे आपको ये बताना है कि मोहनजोदारो कैसे एक प्लांट सिटी था. प्लांट सिटी में आप काफी कुछ डाल सकते हो, अच्छी ड्रेनेज सिस्टम थी, रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग थी कितने अच्छे प्लांट वे में थी, वहां पे स्टेयर केस से लेके वहां पे डबल स्टोरेज थी, वहां पे जो है ग्राउंड फ्लोर में कोई विंडो नहीं था, प्राइवेसी का ध्यान दिया गया था. उसके बाद जो है जो दरवाजे है वो अंदर की तरफ खुलती थी, ठीक है, जो वहां के सीवेज सिस्टम है काफी बढ़िया थे, वहां के जो बाथरूम्स है वो ड्रेनेज सिस्टम से लिंक्ड थे, ठीक है. सो काफी कुछ चीजें आप लिख सकते हो. तो सिटाडेल है, लोअर टाउन है, ये भी चीजें जो है आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सिटाडेल, लोअर टाउन. एंड यहाँ पे आप देखना, लोअर टाउन जब आप लिखोगे ना, तो उसके सारे फीचर्स लिखना कि कैसे वहां के जो ब्रिक्स है स्टैंडर्डाइज रेशियो में बनते थे, सनबर्न ब्रिक्स होते थे, ठीक है. तो ये सारी चीजें भी आप लिख देना, काफी अच्छे से आप मार्क्स गेन कर लोगे. ओके, तो फर्स्ट आप सिटारे लोअर टाउन के बारे में बताना, सेकेंड ड्रेनेज, थर्ड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताना है आपको. एंड उसके बाद आपको बताना है कि वहां की जो सिटाडेल है वहां पे भी जो एक ग्रेन रखने की जो जगह थी, ग्रेनरी, और उसके बाद जो है एक ग्रेड बात भी आपको वहां पे जो है मिला है, ठीक है. तो ऐसे करके चीजों को आप लिख सकते हो.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 2013 में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्केल का क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर टू द हरप्पा सेंट्रल अथॉरिटी एंड एनालाइज डिफरेंट व्यूज। सिमिलर क्वेश्चन जो हमने देखा पिछले पिछले स्लाइड में कि क्यों जो है सेंट्रल अथॉरिटी में कोई एक रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं है और क्या उनको लगता था कि मतलब उन्होंने क्या व्यूज वगैरह रखी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है आप देख सकते हो क्योंकि 8 मार्क्स में भी आया है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। एंड मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पहले डिस्कस करवा दिया है। ठीक है, फिर भी देखो, एट द साइट ऑफ मोहनजोदारो अ लार्ज बिल्डिंग वाज फाउंड बट देयर वाज नो स्पेसिफिक एविडेंसेस। ठीक है, एक तो देखो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ, एक पैलेस लाइक जगह मिली थी। ठीक है, एक पैलेस लाइक जगह मिली थी, ये मेरा पैलेस कुछ ज्यादा गंदा बन गया, तो एक पैलेस लाइक जगह मिली थी जहां पे जो उनको लगा कि वो शायद किंगडम होगा, मींस जो राजा का जो है पैलेस होगा वो, बट उसका कोई एज सच ज्यादा प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो एक पैलेस लाइक जगह मिली है, एक प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली है। ठीक है, प्रिस्ट किंग की मूर्ति, तो उनको लगा कि ये कोई राजा होंगे वहां के टाइम का। ठीक है, बट एज सच कोई उनके पास ठोस सबूत वैसा है नहीं। ठीक है, तो वो सब मिली, उसके बाद जो है वहां पे सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है मिलते थे, आर्टिफैक्ट्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, तो उनको लगा कि शायद कोई एक रूलर होगा या फिर एक स्टेट होगा या फिर एक कम्युनिटी मिलके बनाती होगी, तो बेसिकली यही चीज थी। ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी के उनको जैसे अवशेष मिले हैं बट उन्होंने अपने आप से उसको इंटरप्रेट किया, अब नहीं पता कि वो सही में पैलेस थी या प्रीस्ट किंग सही में राजा था वहां का। ठीक है, सो अ स्टोन स्टैचू वाज फाउंड प्रीस्ट किंग। ठीक है, तो उसका कोई इतना इन्फॉर्मेशन एज सच नहीं है। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड सम आर्कियोलॉजिस्ट हैव द व्यू दैट देयर वाज नो रूलर। ठीक है, सम फील दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर बल्कि काफी सारे रूलर थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा इसका। ओके, बस उसमें क्या करना है, उसको थोड़ा 3 मार्क्स में शॉर्ट में लिखना है, 8 मार्क्स में लॉन्ग में लिखना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हरप्पन इकोनॉमी दैट हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या इकोनॉमी का क्या पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी के बारे में लिखना है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुकी हूँ, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या मिला था। ठीक है, तो वो वाला आपको बताना है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी। फिर एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था, क्राफ्ट ये भी आपको लिखना है, ट्रेड लिखना है। देखो मैं आपको फिर भी एक बार समझा देती हूँ, एग्रीकल्चर आपको लिखना है क्योंकि इतने सारे जो है हमें एविडेंसेस मिले हैं, वहां के प्लान प्रोडक्ट्स मिले हैं हमें, फिर वहां पे इरिगेशन का मिला है, शोटूघाई में इरिगेशन का मिला है, इतने सारे वेल्स मिले हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ग्रेनरीज वहां पे जो है, गोदाम वगैरह मिले हैं, स्टोर हाउस जो है, ये सारे मिले हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है एग्रीकल्चर करते थे, अब एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, कैसे वो अपनी लाइवलीहुड जीते थे। ठीक है, सब्सिस्टेंस मीन्स कैसे वो अपनी लाइवलीहुड जो है मतलब जिंदगी कैसे मतलब चलाते होंगे। ठीक है, क्या सोर्स था, तो फर्स्ट आपको एग्रीकल्चर लिखना है, सेकंड एनिमल डोमेस्टिकेशन करते थे, जैसे हमें कुछ डोमेस्टिकेट एनिमल के जो है मिले हैं बोन्स वगैरह, जैसे शिप गोट काउ इनके बोन्स मिले हैं। उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन, अभी आप इतना सारा क्वेश्चन देखते आए हो क्राफ्ट प्रोडक्शन में, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन भी एक जरिया था। ट्रेड कैसे, ट्रेड इसलिए क्योंकि वहां पे सील्स सीलिंग्स ये सारी चीजें मिली थी, तो ये क्या दर्शाता है, दैट वहां पे ट्रेड होता था। ऊपर से हमें मेसोपोटामिया के साथ रिलेशन दिखा है, ओमान के साथ रिलेशन दिखा है, वहां पे एक बोट की जो है इंस्क्रिप्शन मिली है, BOAT बोट। ठीक है, जो नाव होता है, तो उसकी जो है इंस्क्रिप्शन हमें दिखी है। ओके, सो दैट इज ऑल। उसके बाद 23rd क्वेश्चन, दैट इज 2011 में आया हुआ है, व्हाट आर द एविडेंसेस फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट व्हिच शोज दैट हरप्पन्स हैड कांटेक्ट विद डिस्टेंस लैंड। अगेन सेम क्वेश्चन, आपको एक कॉपर जार जो है, एक ओमानी जार है वहां पे ब्लैक कलर की। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है, वेसल है वो एक ब्लैक कोटेड है, ब्लैक क्ले से बना है। सो वहां पे जो है जार वेसल तो मिला है, साथ में बोट का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट मिला है। ठीक है, मेलुहा, फिर ऐसे लैंड के बारे में भी वहां से जो है हमें पता चला है, मेलुहा, दिलमम, बहरेन, जो बेसिकली जो दिलमम जो है बहरेन है, तो ये सारी चीजें जो है पता चली है। ठीक है, जैसे कॉपर, गोल्ड, वेराइटीज ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल जिससे वो काम करते थे, ये सारे कहाँ से लाते थे, कुछ तो जो यहाँ पे मिलता था जैसे नागेश्वर, बालाकोट, लोथल, धोलावीरा, यहाँ पे जो मिलता था वहां से लेते थे और बाहर से भी जो है लेते थे, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दी
कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लाइन. ओके सो उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24. 2009 में आया है इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये काफी पुराना जो है पूछा गया है. फिर भी देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन. व्हाट फैक्टर्स इन योर ओपिनियन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन. ये 8 मार्क्स में भाई काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये सिर्फ 2009 में ही नहीं, ये काफी बार भी पूछा गया है जो इसमें मेंशन नहीं है. तो मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है. कोलैप्स ऑफ द मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन 8 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट. ओके तो ये आ सकता है. क्या क्या रीजंस होंगे यहाँ पे, रीजंस देख लो. क्लाइमेटिक चेंज, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, ओवर यूज ऑफ द जो लैंडस्केप. तो इसका अगर प्रॉपर आंसर आपको लिखना है यू कैन डाउनलोड माई नोट्स. वहां पे मैंने अच्छे से इसका 8 मार्क्स में इसको फाइंड करने की कोशिश की है. तो काफी बेटर रहेगा आपके इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो वहां से जाके आप देख सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो चेक इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन मार्शल. जॉन मार्शल का ये कंट्रीब्यूशन था, ये 8 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता बिकॉज ये या फिर पूछा भी जा सकता है रेयर केस में. ठीक है, बट रेयर केस में इतना चांसेस का है नहीं 8 मार्क्स में पूछे. ये 3 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में पूछा जाएगा. ठीक है, 8 मार्क्स में ये वाले क्वेश्चन का चांस कम है. बट फिर भी आपको कंट्रीब्यूशन बताना है तो आपको ये बताना है कि जैसे जॉन मार्शल है, इन्होंने फर्स्ट इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया. इसके साथ साथ और भी काफी जो है कंट्रीब्यूटर्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे लाइक दयाराम साहनी, रखालदास बैनर्जी, ये भी थे वहां पे. और लाइक उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देना है क्योंकि 8 मार्क्स क्वेश्चन है. तो जॉन मार्शल क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे और वो मतलब उनके एक्सपीरियंस वगैरह ग्रीस में भी रही है. ठीक है, कनिंघम इसमें जो असफल हुए उसको उन्होंने सफल कर दिखाया. ठीक है, उसके बाद क्या स्टेटियोग्राफी वगैरह, ये सारी चीजें आपको बता देनी है. उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दी ड्रेनेज सिस्टम इन हरप्पा, फिर मेंशन दी टू फीचर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. तो ड्रेनेज सिस्टम पे काफी क्वेश्चन आया है तो आप ये देखो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से करके जाना. ठीक है, कि ड्रेनेज सिस्टम से 3 मार्क्स में, 8 मार्क्स में, ठीक है, ये पूछा जा सकता है. तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अच्छे से करना है आपको कि उसके फीचर्स क्या है. 3 मार्क्स में भी कर लेना, 8 मार्क्स में भी कर लेना. ओके तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे. ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे. ओके, एवरी हाउस हैज वन वॉल अलोंग साइड विद स्ट्रीट हैविंग ड्रेन कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन फ्लो ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. उसके बाद ये सारे आंसर जो आप यहाँ पे देख सकते हो. मैके सेड अबाउट द ड्रेन्स, किसने क्या बोला इस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में. हर एक घर का एक वॉल जो है इससे कनेक्टेड था. फिर वहां पे जो है एकदम क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम था. ठीक है, एंड लिटिल हिप्स ऑफ मटीरियल मोस्टली फाउंड लेइंग अलोंग साइड द ड्रेनेज कैनाल. इट मीन दैट द डेब्रिस वाज नॉट ऑलवेज कार्टेड अवे विद द ड्रेन्स वाज क्लियर. सो ये सारी चीजें जो है आपको बता देनी है. तो 8 मार्क्स में क्या इंपॉर्टेंट है, हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम. ओके, ये 8 मार्क्स से ज्यादा 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है. उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, उसको अच्छे से करना है आपको. और जो है सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में क्या सबके ओपिनियन थे वो करना है. फीचर्स ऑफ हरप्पा मोहनजोदारो ये सब कर लेना. ठीक है, बेसिकली फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम एंड जो है आपके सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में क्या किसका कहना था, एंड ऑफ सिविलाइजेशन कैसे हुआ. उसके बाद एक मैप का क्वेश्चन है, धोलावीरा लोथल कालीबंगन. में ऑलरेडी हिस्ट्री का मैप करा चुकी हूँ तो उससे जाके देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. वहां पे मैंने हिस्ट्री का जो है सारा मैप करा रखा है. सो यू विल गेट हेल्प फ्रॉम देयर. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो इसमें हमने क्या किया, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से आए हुए हैं उनको हमने डिस्कस किया. तो अगर आप पूरा इसको सुनते हो एक दो बार तो आपको मतलब सुन के भी याद हो जाएगा. ठीक है, एंड आप रिविजन करते रहोगे. सो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप फुल मार्क्स ना स्कोर कर पाओ. ओके सो ये एक सीरीज चल रही है, हम ऐसे वीडियोस और भी लाएंगे. सो प्लीज डू लेट मी नो कि आपको कौन से चैप्टर में चाहिए, कौन से टॉपिक में चाहिए, कौन से जो है चैप्टर में चाहिए, सो दैट आई कैन ब्रिंग दैट फॉर यू. सो टिल देन, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.